भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय कैलाश जी, पूर्व मंत्री माननीय सावंत जी, देहात के अध्यक्ष, अजमेर देहात के अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री राधा सिंह जी, जिला प्रमुख जी, जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष सिलोरा गोपाल जी, मंडल अध्यक्ष श्रीनगर के सुरेश रावत जी, मंडल अध्यक्ष पुष्कर राकेश जी, पिसांगन के मोहन सिंह जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी पदाधिकारी मेरे सामने इतनी भारी संख्या में यहाँ से लेके वहां तक माताएं बहने, आप सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको देख के ही ऊर्जा आती है, आपको देख के लगता है कि लड़ाई लड़नी चाहिए, और आप जब यहाँ ऐसी संख्या में आ जाती हो तो लगता है कि दुखी हो, और इसलिए जरूरी है कि हम लोग आपकी आवाज को उठाएं और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई तो मैदान में आए, इसलिए आप यहाँ आई हो, आपको सबको पहले तो मैं आभार और प्यार, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने आके हमारे सबकी हौसला अफजाई की। साथ साथ बैठे हुए मेरे सब भाई और मेरे सब बुजुर्गण, आप भी किसी से कम नहीं हो, आपको भी देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई, आप लोगों ने भी आके, युवाओं ने, हमारे बुजुर्गण ने, आशीर्वाद में कोई कमी नहीं, युवा ने दौड़ दौड़ के जो साथ दिया, पूरे रस्ते भर साथ दिया, और यहाँ भी आके इतनी संख्या में यहाँ खड़े हुए, उस सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये विश्वास हुआ कि मैं तो अकेली नहीं हूँ, मेरी पार्टी अकेली नहीं है, हमारे साथ हजारों की संख्या में हमारे युवा हैं, हमारी माताएं बहने हैं, और हमारे सब बुजुर्गों का हमारा आशीर्वाद है, इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। ये परिवार की ताकत है, इस परिवार की ताकत को आज दिन तक कोई समझ नहीं पाया। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ, इस परिवार के अंदर 36 के 36 कौम, हमारे सब मजहब, आप सब लोग, ये जब मिलके चलेंगे, सब जात एक होंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप जो सपने का राजस्थान आपने देखा है, उस सपने के राजस्थान को हम मिलके पूरा कर सकेंगे, बस आपको अपने मन में संकल्प लेने की जरूरत है। आज सुरसुरा से मैं होते हुए आ रही हूँ, मुझे याद है कि मैं सुरसुरा में जब रुकी थी, परिवर्तन यात्रा का समय था, परिवर्तन यात्रा वो टाइम था जब कोई किसी को जानता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, सब लोगों ने मेरे से ये कहा कि ये नहीं है, इधर मंदिरों पे रुक रही है, इधर रुक रही है, जा रही है, मैंने सबको ये कहा कि मैं तो किसी को जानती नहीं, कोई मेरे को जानता नहीं, परंतु हम लोग पार्टी ने आगे किया है, इसलिए भगवान और ईश्वर के भरोसे को लेके हम आगे चलने की बात रख रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, परंतु साथ साथ हमारे जो परिवार के लोग बैठे हैं उनका आशीर्वाद और साथ मिलेगा, तो मैं नहीं समझती हूँ कि राजस्थान में इस पूरे परिवार की ताकत को कोई रोक सकेगा। परिवर्तन यात्रा के अंदर आप लोगों ने देखा कि परिवार का कितना शानदार काम हुआ और किस जोरदार तरीके से हम लोगों ने चुनाव जीता, और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि जिस तरीके से अगर आप लोग लग जाते हो तो इस राजस्थान में जो नया राजस्थान का सपना आपने और हमने देखा है, उस नए राजस्थान का सपना हम और आप मिलकर पूरा कर सकेंगे, वो नया राजस्थान। मैं कभी कभी इतने दुखी होती हूँ माताएं बहने, जब मैं देखती हूँ कि मेरी माताओं बहनों की इज्जत को मिट्टी में रोज मिलाया जा रहा है, मेरी माताएं बहने सड़क के ऊपर सुरक्षित चल नहीं सकती है, मेरी माता बहनों के साथ, उसकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ होता है वो पूरे जयपुर से लेके गांव गांव तक बात फैली हुई है, दूर के लोग भी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार होता है, और मैं साथ जानती हूँ कि जिस परिवार के अंदर हम अपनी बहू बेटी और अपनी माता बहन उनकी इज्जत को नहीं रख सकते, वो परिवार आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये परिवार का आशीर्वाद, उसकी बरकत उसकी माँ और उसकी बहन, उसकी घर की महिला है, जो अपनी घर की महिला को सुरक्षित रख सकता है उसका परिवार कोई नहीं रोक पाएगा, वो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है, उसमें आप लोग सबको लगने की जरूरत है। इसी तरीके से मैंने कहा कि जहां क्षेत्र के अंदर 55 साल के बाद हम लोगों को पानी की किल्लत हो, आज मैं देखते जा रही थी रूपनगढ़ के अंदर, मैंने देखा कि बीसरपुर से जोड़ने का काम तो हम लोगों ने कर दिया था, रूपनगढ़ तक तो हम लोगों ने पानी पहुंचा भी दिया था, लेकिन
उसको गांव तक पहुंचाने की बात जो चली थी, जिसके लिए हमने अलग से पैसा किया था, वो गांव तक पानी पहुंचाने का काम 4.5 साल निकल गए, ये कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। शर्म है, शर्म आनी चाहिए उनको कि सब पैसे का इंतजाम करने के बाद, सीतापुर के पानी का इंतजाम करने के बाद गांव तक नहीं पहुंचा पानी। इससे और बुरी बात क्या हो सकती है माताएं बहने, मैं जानती हूं, क्योंकि मैंने रस्ते भर में 2 महीने से महिलाओं को दुखी होते देखा है। और महिला ने मेरे से सिर्फ एक ही बात कही है, एक कुएं पे मेरे को रोक के बोली कि जरा ये पानी जरा कुएं में से निकाल के दिखाओ तो सही कि कैसी हालत होती है हमारी, आपको मालूम पड़ जाएगी। तो एक मिनट के लगा मेरे को कि मैं भी जाके पानी निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी, फिर भी हिम्मत करके गई। 4 महिलाएं खड़ी थी वहां, सब लोग वहां देखने को आ गए। मैंने बाल्टी तो चली गई, कोई मुसीबत नहीं रही। अभी कहा उसको बाहर निकालने का काम उतनी पूर्ति से करना पड़ेगा जितनी पूर्ति से सब लोग कर रहे हैं, वहां थोड़ी सी मार खा गई। परंतु बाल्टी जब ऊपर आई और उसने मेरे को कहा कि ऐसी 3 बाल्टियां निकालनी पड़ेंगी, वो जाएगा घड़े में, वो घड़ा जाएगा सिर पे, और सिर पे लेके आपको 1 किलोमीटर पैदा चलना पड़ेगा, तो मैंने हार मान ली। मैंने कहा तुम ही कर सकती हो देवी, मैं नहीं कर सकती। और कैसे अपने घर में किया है आप लोगों ने आज तक, मैं दाद देती हूं आप लोगों को, और मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सरकार अपनी आएगी तो शुद्ध पर्याप्त पानी महिलाओं को घर में पहुंचाने के काम हम लोग मिलकर करेंगे, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं। अब बिजली की हालत, मैंने जहां पूछा 2 महीने में सब लोगों ने बोला मेरे को कि बिजली की हालत ही बहुत खराब है। माताओं बहनों से पूछा तो आपके लिए जो अलग से मैंने बिजली बनाई, जो अलग से लाइन आप लोगों को घरेलू बिजली के नाम से दिया था, वो घरेलू बिजली आज 24 घंटे नहीं आती, आज आती है 7 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और उसके बीच में बहुत ज्यादा ट्रिपिंग होता है कि नहीं। मैंने बनाया था ये कि आप लोगों को घर में बिजली मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए बत्ती मिले, बाहर में थके बांधे लोग जब आते हैं तो ठंडा घर मिले, जब खाना पकाती हो तो ठंडा घर हो, और आपका फ्रिज हो, कूलर हो तो वो भी आराम से चल जाए। ये सब चीजों को देख के मैंने कहा कि बिजली लगनी चाहिए, आपकी तो मिलती नहीं है, और बेचारे किसानों की जो बिजली मिलनी चाहिए वो भी मैं बताना चाहती हूँ, पूछूंगी मैं आपसे। मेरे को ये बताया जा रहा है कि 10 बार तो कटौती होती है और मुश्किल से आपको 3 या 4 घंटे मिलती है, सही है क्या? 3 या 4 घंटे या ज्यादा? ज्यादा 3 या 4 घंटे। मेरे को ये बताया कि जो VCR, उस VCR की वजह से सब लोग परेशान है आज, उसकी वजह से जो बिल 2000 रुपए के मिलने चाहिए या 5000 के रूप मिलने चाहिए वो 10 गुना बिल के आते, कहा 20,000 रुपया, कहा 10,000 रुपया, कहा 50,000 रुपया का बिल। किसानों को हाथ में अगर करंट लगता कहीं है तो वो हाथों में करंट लगता है और बिलों के द्वारा करंट लगता है, परंतु आपको सही तरीके से बिजली नहीं मिलती है, ये मैंने देखा है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूं माताएं बहने, हमने ये तय कर लिया है कि हमारी सरकार आती है तो आप लोगों को घर में 24 घंटे बिजली देके हम छोड़ेंगे, घर में आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। अगर 2 साल और रह जाते ना तो आप लोगों को आराम से बिजली मिलती, आपको रोने की जरूरत ही नहीं होती, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। ये घर की बात है, हम क्या चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, टीचर चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ के पड़े हो जाए, उनको रोजगार मिले। आज मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ सही तरीके से सेकेंडरी स्कूल में 2 साल पहले साइंस फैकल्टी खोल तो दी, परंतु सब्जेक्ट टीचर्स ही नहीं है तो साइंस सिखाएगा कौन? आपके पास टीचर्स ही नहीं है, मैं देख रही थी, और यहाँ से तो शिक्षा मंत्री भी यहीं के हैं ना, शिक्षा मंत्री भी शायद यहीं के हैं, और शिक्षा मंत्री यहाँ के हैं कि कॉलेज की मांग ही पूरी नहीं कर सके, तो मैं समझती हूँ कि क्या इतनी छोटी सी मांग है, ये आराम से कर सकते थे। और टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आप लोगों को दूर तक जाना पड़ता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं, महंगाई, जोरदार महंगाई जिसकी वजह से सब लोग मारे जा रहे हैं, 55 साल का राज, जिस 55 साल के राज के अंदर गड्ढे में डाल दिया हमको इस सरकार ने, 15 साल का राज गुजरात में, और आप देख लीजिए कि गुजरात की क्या हाल है, दुनिया के लोग गुजरात का नाम ले लेके पुकार पुकार के गुजरात को देखने आते हैं।
इसी तरीके से मध्य प्रदेश को देखने आते हैं और राजस्थान 55 साल के बाद इस गड्ढे में पड़ा है। मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस दिन हम सब मिलके आगे बढ़ जाते हैं तो राजस्थान का विकास होगा, उस विकास को कोई नहीं रोक सकता। एक नया राजस्थान बनेगा और उस नए राजस्थान के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं आपकी हैं उन मूलभूत सुविधाओं को हम देके छोड़ेंगे और साथ में आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ा के उन लोगों को रोजगार का इंतजाम करेंगे। जिस तरीके से अपने समय के अंदर 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया था, उस तरीके से आने वाले समय के अंदर भी रोजगार देने का हम काम करेंगे। अब जाने से पहले मैं खाली दो पूछना चाहती हूँ आपसे, सब यहाँ बैठे हुए हैं किसान भाई, मैं पूछना चाहती हूँ कि पाला पड़ा था, ओला पड़ा था, आप लोगों के यहाँ फसल नष्ट हुआ था। मैंने सुना जयपुर के अंदर कि आप लोगों को बहुत अच्छा पैकेज दिया गया था मुआवजा का, मिला आपको? किसी को पीछे वालों से पूछ रही हूँ, मिला किसी को? किसी को नहीं मिला। आपको ये सहकारी का जो ऋण मिलना था 1,50,000 रुपया बिना ब्याज का, किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। माताएं बहने, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच किसी को हुई? 1 किलो गेहूं का हिसाब किसी को मिला? अरे ये सब कोई भी काम नहीं हुआ तो आज रेवड़ी बांटने का काम फिर चालू कर दिया है। उनको लगता है कि वो आपको फुसला के, आपको लुभा के, आपको डरा के अपना काम कर देंगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कोई नहीं, सब इज्जतदार लोग हैं और सब लोगों ने तय कर लिया है कि राजस्थान को आगे ले जाके हम अपने सब काम करवाएंगे। हमें ये रेवड़ियों से मतलब नहीं है और कोई हमें कहे तुम्हारी इज्जत से नहीं मतलब है। हम चाहते हैं कि हमारा मूलभूत काम मिले, हम चाहते हैं हमें बिजली मिले दीजिए, हम चाहते हैं हमें पानी मिले दीजिए, हमारे टीचर हो, हमारे डॉक्टर हो, क्या आप लोग नहीं चाहते ये? क्या कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले? सब लोग ये चाहते हैं। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अपनी सरकार आएगी तो उसमें बिना भय के एक ऐसा सुराज, एक ऐसा नया राजस्थान, जिस नए राजस्थान के अंदर आप लोग अपने पैर पे खड़े होके और इज्जत की जिंदगी जी सकेंगे, ये हमारी तरफ से आपको संकल्प है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे गुलाब जी के साथ जिस तरीके से उन्होंने, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका रिकॉर्ड सबके सामने है, ऐसे व्यक्ति के साथ उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की? क्या सोचा उनने कि वो डर जाएंगे, उनकी पार्टी उनके साथ डर जाएगी? क्या सोचा कि ये जेल जाएंगे तो सब ऐसे ही चुपचाप बैठेंगे? अरे जाके तो देखो, अगर गुलाब जी को जेल में डाला, हमारे कार्यकर्ताओं को किसी ने हाथ भी लगा दिया जो बिल्कुल पाक लोग हैं, जिन्होंने कभी किसी के सामने ऐसी कोई बात नहीं की है, तो भारतीय जनता पार्टी तो क्या, ये पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि आपने भी वही सपना देखा है ना, सब लोगों ने सपना देखा है ना। अगर देखा है तो इस नए राजस्थान को बनाने के लिए जब आपके ऊपर आएंगे लोग दबाने की कोशिश करेंगे तो किसी को डरना नहीं है, किसी को भयभीत नहीं होना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन सब से जूझने की तैयारी है क्या आपकी? है क्या तैयारी जूझने की? अगर है तो दोनों हाथ ऊपर करके बता दो है और मुट्ठी बंद कर लो। यह हाथ है बड़ा डरावना हाथ है, ये हाथ महिलाओं के गले में दबा देता है और हमारे भाइयों को, बुजुर्गों के जेब काटता है। ऐसे हाथ को बोलो मत रखना। तैयारी है और हिम्मत है क्या कि हम लड़े सबके साथ? हिम्मत है तो दोनों मुट्ठी ऊपर करके मेरे को बता दो हाँ बिल्कुल है, और अगर है तो हम लोग साथ मिलकर राजस्थान को बदलेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आगे आगे चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। आशीर्वाद और प्यार बनाए रखना हमारे लिए सबसे अमूल्य बात अगर कुछ है तो वो आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है। आपने चुंदड़ी बार बार हमें पहनाई, उस चुंदड़ी की इज्जत रखने में हमें कभी नहीं छोड़ी, आपको कभी नीचे नहीं देखने दिया और आने वाले समय के अंदर आपके साथ ही मिलकर राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आपको आदर। मुझे मालूम है कि आप लोगों का यह प्यार और साथ बना रहेगा तो हम लोग अपने काम को पूरा कर सकेंगे। इतना ही कह के मैं
सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस गर्मी में आप लोगों ने यहाँ आके हमारी बात भी सुनी और माता बहनों आपने हमको हौसला अफजाई की और हंसते हंसते की इस गर्मी के अंदर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इतना ही करो हम हमारे सबके साथ मिलकर चलो और देखो कैसा नया राजस्थान बनता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, माता बहने आवाज, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।